हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ विवेक। आप देख रहे हैं शर्मा जी ब्रदर्स। तो अभी भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो रिफैक्टरी सेटिंग में और हार्ड रिस्टार्ट में कंफ्यूज हो रहे हैं। तो कुछ कमेंट्स मेरे पास आ रही थी, कुछ कॉल्स मेरे पास आए थे मेरे फ्रेंड्स के कि यार थोड़ा सा बताइए कि रिफैक्टरी सेटिंग करने से मेरा फ़ोन ज़्यादा स्मूथ चलेगा कि हार्ड रिस्टार्ट करने से मेरा फ़ोन ज़्यादा स्मूथ चलेगा। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना के आप लोगों के लिए लेके आना चाहिए, ताकि मैं आपको इसको एकदम स्टेप बाय स्टेप बता पाऊँ और बताने के साथ साथ दिखा भी पाऊँ अपने फ़ोन पे करके, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो और आपको ये पता चल जाए कि रिफैक्टरी सेटिंग क्या है और आपका जो हार्ड रिस्टार्ट है वो क्या होता है और रिफैक्टरी सेटिंग आप कैसे कर सकते हैं और हार्ड रिस्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ J7 2016 में, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए चलते हैं फोन की तरफ और आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ। सो फ्रेंड, हम चलते हैं अपने फ़ोन की तरफ और मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि आप रिफैक्टरी सेटिंग कैसे कर सकते हैं, यानी कंप्लीट अपने डाटा को रिफैक्टरी सेट कैसे कर सकते हैं और आप हार्ड रिस्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा J7 2016 है, ये नौगढ़ पे रन कर रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे पास J7 2015 भी है और J7 2016 भी है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखिए, ये मेरा नौगढ़ पे रन कर रहा है, आप देख सकते हैं मेरा नोटिफिकेशन बार, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको यहां पे सिंपली दिखा देना चाहता हूं कि सबसे पहले हम सेटिंग की तरफ जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम सेटिंग की तरफ हैं और सेटिंग में जाने के बाद मैं आपको सबसे पहले तो अपना फोन का मॉडल नेम बता देता हूं, ताकि ये देखिए J7 2016 J710FN, मैं आपको ये देखिए फोकस करके दिखा देता हूं। तो ये मेरा J7 2016 है। तो यहां पे आपको सिंपली जाना है जनरल मैनेजमेंट में, आप देख सकते हैं यहां पे आप आइए। यहां पे आने के बाद हम जाएंगे रीसेट में, आप ये देख सकते हैं यहां पे रीसेट लिखा हुआ है। तो हम यहां पे जाएंगे रीसेट में। रीसेट में जाने के बाद यहां पे बहुत सारे सेटिंग्स दिखेंगे, लेकिन हमको जाना है रिफैक्टरी डाटा रीसेट। ये करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आप अपने डाटा के फुल बैकअप बना लीजिए, चाहे वो आपका इमेज हो, सॉन्ग हो, वीडियो हो, यानी आपका जो भी डाटा हो, यहां तक कि SMS का और कॉन्टैक्ट का भी बैकअप बना लीजिए, क्योंकि रिफैक्टरी सेटिंग करने से आपके सारे डाटा डिलीट हो जाएंगे, इरेज हो जाएंगे और आपका जो फोन है, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है दिस विल इरेज ऑल डाटा इंक्लूड फाइल्स एंड डाउनलोड एप्स। तो आप ये सारी चीजें डिलीट कर देगा और आपके फोन को बिल्कुल रिफ्रेश कर देगा और जैसा कि हम आउट ऑफ बॉक्स अपना फोन यूज करते हैं वैसा कर देगा। तो उसके लिए आपको अपने डाटा को बचाने के लिए आपको बैकअप बना के रखना पड़ेगा। उसके बाद आप सिंपली यहां टैप कीजिए। टैप करने के बाद देखिए यहां पे आपका जो भी ईमेल जीमेल यहां पे रहेगा या जो भी आपके अकाउंट होंगे उनको भी ये बताएगा कि ये सारी चीजें डिलीट हो जाएंगी। तो आप फिर से बना लीजिएगा उस चीज को और यहां से आप रीसेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पासवर्ड पूछेगा, जो भी पासवर्ड आपने यहां पे बना के रखा है। तो ये देखिए यहां पे मैंने पासवर्ड डाल दिया और यहां पे आ जाएगा डिलीट ऑल। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा ये पूरा रीसेट हो जाएगा कंप्लीटली। लेकिन मुझे यहां पे आपको ये बताना है, मुझे आपको यहाँ पे ये बताना है कि हार्ड रिस्टार्ट कैसे करते हैं। तो ये रही सॉफ्ट रिस्टार्ट की बात, जिसे हम रिफैक्टरी सेटिंग भी बोलते हैं या फिर रीसेट भी बोलते हैं अपने फ़ोन को। तो यहाँ से आप सिंपली टाइप कीजिए और आपका पूरा फ़ोन, एक काम करता हूँ मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे डिलीट ऑल किया, तो यहाँ पे ये मेरा पासवर्ड पूछेगा, जो भी मेरा जीमेल है उसका। तो मुझे यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा इंटरनेट ऑन करके, ताकि कोई इसे और ना डिलीट कर पाए। ऐसे में ये होगा कि अगर कोई आपका फ़ोन ले लिया है, अगर वो आपका फोन डिलीट करना चाहता है या इरेज करना चाहता है तो वो कर सकता है, बट अगर आपका ये सिक्योरिटी रहेगा तो आपका फोन बिल्कुल भी कोई डिलीट नहीं कर पाएगा आपकी परमिशन के बिना, रीसेट नहीं कर पाएगा आपकी परमिशन के बिना। तो ये अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पे अपना इंटरनेट ऑन कर लेता हूँ और इसमें पासवर्ड डाल के आता हूँ आपके पास बहुत जल्दी। सो फ्रेंड, मैं यहाँ पे पासवर्ड अपना डाल चुका हूँ, मैं यहाँ पे कंफर्म करने वाला हूँ। तो ये देखिए मैंने कंफर्म कर दिया और ये देखिए मेरा फोन रीस्टार्ट के लिए रेडी है, रीसेट के लिए रेडी है, सॉरी बार बार रीस्टार्ट नहीं कर रहा है, रीसेट के लिए रेडी है। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको जूम करने की कोशिश करता हूँ, सॉरी यहाँ पे आया था J7 2016। ये देखिए इरेजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इरेजिंग आपका आ चुका है। इसे मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इरेजिंग, और यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड का लोगो बन गया है और ये इरेजिंग के लिए लोडिंग ले रहा है। ये देखिए मैं आपको फोकस करके दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो अब ये टाइम लेगा मेरे सारे डाटा को, ये इरेज करेगा। इरेज करने के बाद उसे मैं फोकस कर देता हूँ आपको फ़ोन की तरफ। असल में वो ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाती है, फुल ब्राइटनेस में चला जाता है फ़ोन, इसलिए ये प्रॉब्लम करता है फोकस करने के लिए। ये देखिए
तो ये जैसे ही कंप्लीट इरेज हो जाएगा उसके बाद दो स्टेप और होंगे। अगर आप इसे कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो मैं वीडियो स्किप नहीं करूँगा, आप थोड़ा वेट कीजिए और इसे ध्यान से देखिए ये कंप्लीट कैसे होता है। ये देखिए ये कंप्लीट इरेज हो गया है। इरेज होने के बाद ये देखिए अभी रीस्टार्ट होने के लिए रेडी है सैमसंग गैलेक्सी J7 6। बहुत जल्दी गायब हो जाता है वो, इसलिए मैं आपको पढ़ के बता दिया मॉडल नेम आया है इस पे करके। अब ये फिर से स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सैमसंग। अभी कुछ देर तक लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद कुछ स्टेप और आगे की तरफ बढ़ेंगे, उसे भी आप ध्यान से देख सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ और आप ध्यान से वीडियो को देखिए। थोड़ा वेट कीजिए आप, क्योंकि एक बार ये रेजिंग होने के बाद रीसेट होता है कंप्लीट, तो रीसेट होने के लिए इसे थोड़ा टाइम चाहिए होता है, इसलिए थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद ये बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। लोडिंग का कारण भी ये है कि आपके फ़ोन को बिल्कुल रीन्यू कर देता है, यानी जितने भी जब तक भी आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो इसमें जो भी आपके डाटा इकट्ठे होते हैं, जो भी चेस फाइल इकट्ठे होते हैं, जो भी अगर थोड़े मोड़े इधर उधर से वायरस या फर्मवेयर जो है, अनचाहे फर्मवेयर जो आ जाते हैं, मालवेयर जिसे बोला जाता है, वो सारी चीज़ों को कम्प्लीटली इरेज कर देता है और आपके फ़ोन को काफ़ी स्मूथ बना देता है, बिल्कुल भी स्मूथ कर देगा जैसा कि आप नया फ़ोन या नया डिवाइस यूज़ कर रहे हो। और मोस्टली अगर मेरी माने तो आप लोगों को महीने दो महीने में एक बार इसे रीस्टार्ट या रीसेट कर लेना चाहिए, रीसेट कर लेना चाहिए। तो ये देखिए एंड्रॉयड इज स्टार्टिंग, ये देखिए आप देख सकते हैं, मैं पास ले आता हूँ इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन। तो जितने भी एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल हमारे फ़ोन पे आते हैं जो फ़ोन की तरफ से होते हैं, वो सारी एप्लीकेशन एक एक करके यहाँ पे इंस्टॉल होने वाली है। तो ये फिलअप होगा और एक एक एप्लीकेशन इंस्टॉल होने लग जाएगा, आप ध्यान से देखते रहिए। मैं स्किप इसलिए नहीं कर रहा हूँ वीडियो ताकि मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाऊँ कि सारे वर्क, मतलब ये सारा सिस्टम ये देखिए कैसा होता है। ये देखिए पहला एप्लीकेशन आ गया है जो कि शायद गैलेक्सी सैमसंग गैलेक्सी का स्टोर था। ये देखिए सारे एप्लीकेशन हो गए कंप्लीट, और एप्लीकेशन होने के बाद ये देखिए आपका मेन स्क्रीन आ गया और ये सेटअप आ गया। तो मैं आपको सेटअप करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे वेलकम है, फिर यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे पूछ रहा है सिम नहीं है, तो यहाँ पे वाईफाई भी हम बंद कर देंगे, इसे नेक्स्ट कर देंगे। और सारी चीज़ें मैं बहुत जल्दी आपको करके दिखा देने वाला हूँ, तो यहाँ पे हम ऑल एग्री कर देंगे और यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे गूगल सर्विस पे, और इसके बाद हम इसे नेक्स्ट कर देंगे, इसे भी नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आप पैटर्न या नॉट नाउ भी कर सकते हैं, तो नॉट नाउ कर देते हैं हम यहाँ पे, हमें ज़रूरत नहीं है अभी, हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं, इसे भी स्किप कर देते हैं। बहुत जल्दी मैं आपको सेटअप करके दिखा देता हूँ, इसे भी हम फिनिश कर देते हैं और इसे लेटर कर देते हैं हम। और ये देखिए हमारा बिल्कुल ब्रांड न्यू फ़ोन तैयार हो गया। जितने भी हमारे एप्लीकेशन थे या जितने भी हमारे ऐसे डाटा थे जो हमारे फ़ोन के लिए हार्मफुल थे, वो सारे डिलीट हो गए और हमारा फ़ोन बिल्कुल नया हो गया, ये देखिए। तो अब हमें यहाँ पे अपना फ़ोन यूज़ करने के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं, हमारा फ़ोन बिल्कुल सुपर स्मूथ हो जाएगा और बहुत अच्छे से वर्क करने वाला है। ये तो रही हमारे जो फैक्ट्री सेटिंग होती है उसकी बात, अब मैं यहाँ पे आपको हार्ड रिस्टार्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है तो वो भी आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेंगे, ये देखिए यहाँ पर हमने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। जब हमारा फ़ोन कम्प्लीटली वाइब्रेशन करके स्विच ऑफ हो जाएगा, उसके बाद हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो ये कम्प्लीटली स्विच ऑफ हो गया, वाइब्रेशन भी हो गया। अब आपको ये करना है सैमसंग के डिवाइस में, आप किसी भी सैमसंग के डिवाइस को आराम से हार्ड रिस्टार्ट करना है आपको, तो आपको क्या फॉलो करना मैं आपको बता रहा हूँ। या आपके सभी स्मार्टफोन पे, सैमसंग के सभी स्मार्टफोन पे यही सेम प्रोसेड होने वाला है गैलेक्सी सीरीज़ में, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो आपको यहाँ पे करना है वॉल्यूम अप, पावर एंड होम, तो आपको तीनों को एक साथ प्रेस करना है और होल्ड करके रखना है जब तक आपका लोगो नहीं आ जाता। तो तीनों को एक साथ, तो 1 2 3 वाइब्रेशन हुआ, लोगो आया, रिलीज कर दीजिए। तो जैसे ही आप रिलीज करेंगे, ये देखिए आपका यहाँ पे आ गया है इंस्टॉलिंग सिस्टम अपडेट, और आपको थोड़ा सा वेट करना है
उसके बाद आपका जो हार्ड डिस्क स्टार्ट के लिए हमने जो अप्लाई किया है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आपका नो कमेंट आ गया है, एंड्रॉइड का लोगो बन गया है। मैं आपको फोकस करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए एंड्रॉइड का लोगो और नो कमेंट आ गया है। तो आप यहाँ पे कमांड आ गया है सॉरी, तो यहाँ पे आप सिंपली पावर अप के की को प्रेस कीजिए एक बार, ये देखिए। तो जैसे आप पावर आपके की को प्रेस करेंगे आपका ये पूरा सेटिंग ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड्रॉयड रिकवरी सैमसंग J7 यहाँ पे आपका आ गया है 7.0। तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आपको इसे कंट्रोल कैसे करना है मैं उसे भी बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पे यूज़ करना है वॉल्यूम अप वॉल्यूम एंड डाउन आपको ऊपर और नीचे जाने के लिए। तो जैसे आपके हमको नीचे आना है तो वॉल्यूम डाउन, ये देखिए अब जाना है तो वॉल्यूम अप, यहाँ पे आप कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे पावर की यानी कि पावर की का यूज़ करना है। तो हमें यहाँ पे जाना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम कर लेंगे स्वाइप चेस पर्टिकेशन। तो आप यहाँ पे चले जाइए, सॉरी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन अगर गलत होगा तो आप उसे देख लीजिएगा। यहाँ पे जाने के बाद आप पावर की यहाँ पे प्रेस कर लेना, प्रेस करने के बाद नो को आप यस कर लेना, तो यहाँ पे आपका सारे चीज़ें स्वाइप हो जाएंगी। तो ये देखिए यहाँ पे स्वाइप कंप्लीट हो गया है, ये देखिए। तो यहाँ पे आपको फिर वापस जाना है स्वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट पे। तो यहाँ पे आपको वही वॉल्यूम डाउन की यूज़ करना है, स्वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट पे आना है और आपको यहाँ पे पावर की को प्रेस कर देना है। तो जैसे आप पावर की प्रेस करेंगे आप नो और यस पूछेगा, तो आप यस पे जाके फिर से इसे यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे आपका फ़ोन फॉर्मेट होना स्टार्ट हो गया। तो आपका फ़ोन कम्प्लीटली फॉर्मेट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं डाटा स्वाइप कंप्लीट। तो आप इसे जाके यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए रिबूट सिस्टम नाउ। तो आपको अपना फ़ोन रिबूट करना है यानी फिर से स्टार्ट करना है, तो आप इसमें जाइए और इसे प्रेस कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ से आपका फ़ोन रिबूट होने लग जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए सैमसंग गैलेक्सी J7 6 यहाँ पे आ गया था और चला भी गया। अब यहाँ पे फ़ोन हम स्टार्ट करके आपको दिखा देता है, तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे फिर से सैमसंग लिखा हुआ आ गया है, ये देखिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आप एक भी स्टेप भूले ना और आप बिल्कुल सही तरीके से कर पाएँ। और मैं इस वीडियो को स्किप भी इसलिए नहीं किया ताकि आपको ये चीज़ प्रूफ के साथ मिल जाए, आप कंफ्यूज ना हो कि यार यहाँ पे ये छूट गया वहाँ पे वो छूट गया। क्योंकि मोस्टली केसेस पे ऐसा होता है कि अगर हम इस बारे में नहीं जान रहे और उस चीज़ को पूरा ना देखें तो हमसे कन्फ्यूज़न हो जाती है कुछ स्टेप में, और आप गलत स्टेप करके अपने फ़ोन को भी हार्म पहुँचा सकते हैं और आपका टाइम भी बहुत वेस्ट हो सकता है। इसलिए मैं आपको कोई स्किप ना करके आपको कंटिन्यू दिखा रहा हूँ। इसलिए आपको अगर ये प्रोसेस करना है तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए और इस प्रोसेस को बिल्कुल सही तरीके से फॉलो कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर आपका फ़ोन सैमसंग का फ़ोन, सैमसंग के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर आप रूट कर चुके हैं, आपको अनरूट करना है, तो अनरूट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। जाहिर सी बात है आपको लेटेस्ट अपडेट नहीं अवेलेबल होंगी क्योंकि आपका फ़ोन मॉडिफाइड हो जाता है। तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर भी मैं बहुत जल्द वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ और उस पर भी आपको बहुत जल्दी वीडियो मिल जाएगा और उसको कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ और उस चीज़ उस प्रॉब्लम को फिक्स कर पाएँ। तो जैसे ये स्टार्ट होगा मैं आपको बहुत जल्दी इसे फिर से फिनिश करके दिखा दूंगा कंप्लीट सेटअप को, ताकि आपको प्रूफ मिल जाए। ये देखिए आपका फिर से एंड्रॉयड स्टार्टिंग पे आ गया है और फिर से आपके जो एप्लीकेशन हैं वो देखें, इंस्टॉलिंग एप्लीकेशंस। तो ये सारे एप्लीकेशन को एक साथ इंस्टॉल करेगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसा कि हमने अपना रिफैक्टरी सेटिंग किया था तब लिया था, तो ये बहुत जल्दी ये भी हो जाएगा, उसके बाद हमारा सेटअप ऑन हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखते रहिए इसको, ये देखिए इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन, आप इसे ध्यान से देखिए और ये बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है और आपका फ़ोन बहुत जल्दी सेटअप हो जाएगा, ये देखिए।
ये देखिए हमारा फ़ोन फिर से स्टार्ट हो गया, ये देखिए वेलकम इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम, और यहाँ पे आपका स्टार्ट आ गया है, इमरजेंसी कॉल आ गया है। तो आप यहाँ से सिंपली मैं आपको फटाफट इसे स्टार्ट करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने वही सारी चीज़ें यहाँ पर की थी, या जो हम नया फ़ोन लेते हैं तो जो हम सेटअप करते हैं वही सेटअप यहाँ पर है। तो ये देखिए मैं इसको फटाफट सेटअप करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सारी चीज़ें मैं फटाफट नेक्स्ट और स्किप कर देता हूँ ताकि आपको मैं बहुत जल्दी समझा पाऊँ और आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। ये देखिए बहुत जल्दी मैं इसे करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये फिनिश पे पहुँच गए हम, इसे भी लेटर कर देते हैं और हमारा फ़ोन बिल्कुल नए तरीके से तैयार है यूज़ के लिए। ये देखिए सारी सेटिंग्स वापस से रीसेट हो गई हैं जैसा था वैसा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें मेरी क्लियर हो गई हैं और ये मेरा फ़ोन बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। ये देखिए सारी चीज़ें बढ़िया से वर्क कर रही है। तो ये रहा आज का मेरा रिफैक्टरी सेटिंग और हार्ड रिस्टार्ट पे वीडियो, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाए। मैं आपको फिर से बता दूं ये मेरा J7 2016 है, आप देख सकते हैं इसे, और ये आपके सारे स्मार्टफोन पे मतलब सैमसंग के सारे गैलेक्सी सीरीज़ में एंड्रॉयड सेट में यही मैथड काम करने वाला है। तो आप कोई सा भी फ़ोन इस तरीके से रिफैक्टरी सेट या फिर रिस्टार्ट कर सकते हैं, हार्ड रिस्टार्ट कर सकते हैं, हार्ड रीसेट कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल इस वीडियो को देख के आप सारी चीज़ें बिल्कुल स्टेप बाई फॉलो कर सकता है। तो आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, इसे शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो के बारे में जान पाए, इस मेथड के बारे में जान पाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं रोजाना आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसे वीडियो लेके सामने आने वाला हूं, तो आपको हमारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, थैंक यू।